ये मुख्यालय का डाल्टनगंज विधानसभा भी आता है। माननीय सभी विधायकों को यहाँ विराजमान होना चाहिए था, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम है राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, अंतिम पंक्ति को तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे इसको लेकर एक अभियान चल रहा है, वो कार्यक्रम है ये। और ये यहां हमारे माननीय विधायकों की अनुपस्थिति ये दर्शाता है कि वे एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा। कितनी भूमिका किसी राज्य में किसी भी देश में सरकार की होती है, उतनी ही भूमिका विपक्ष की भी होती है। अगर विपक्ष सकारात्मक होता सभी माननीय विधायक यहां मौजूद होते और अपनी बातें रखते और कहते बताते कि सरकार की जो योजना जो चल रही है या अभियान जो चल रहा है इसमें क्या खामियां। आज तक इन लोगों ने जितने कार्यक्रम किए सारे अपने राजनीतिक फायदे के लिए किए, जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं था। जनता भूखे मरे, जनता पानी के बिना मरे, जनता के सर पे छत होना हो, जनता के बदन पर कपड़े होना हो, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं था। हमारी सत्ता कैसे आए, हम कैसे सत्ता हथियाए, कैसे हमारी कुर्सी बचे, इस पर ही सारा इन लोगों का कार्यक्रम होता था। और नजर घुमाइए, जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहां बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित पलामू जिले के दूरस्थ पंचायतों से आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहने, बड़ी संख्या में उपस्थित यहां छात्र छात्राएं और यहां सामने हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ पदाधिकारीगण होना तो चाहिए था। आज ये मंच जहां कुर्सियां लगी हैं, इस पलामू जिले में ही मुझे लगता है कि एक छतरपुर विधानसभा भी आता है, विश्रामपुर विधानसभा भी आता है, ये मुख्यालय का डाल्टनगंज विधानसभा भी आता है। माननीय सभी विधायकों को यहां विराजमान होना चाहिए था, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम है राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, अंतिम पंक्ति को तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे इसको लेकर एक अभियान चल रहा है, वो कार्यक्रम है ये। और ये यहां हमारे माननीय विधायकों की अनुपस्थिति ये दर्शाता है कि वे एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा। जितनी भूमिका किसी राज्य में किसी भी देश में सरकार की होती है उतनी ही भूमिका विपक्ष की भी होती है। अगर विपक्ष सकारात्मक होता सभी माननीय विधायक यहां मौजूद होते और अपनी बातें रखते और कहते बताते कि सरकार की जो योजना जो चल रही है या अभियान जो चल रहा है इसमें क्या खामियां, क्या फायदे, इसमें और क्या जुड़ना चाहिए। नहीं, ये सभी सारे ऐसे कार्यक्रमों को जो जनता के लिए चलाए जाते हैं, जिस उद्देश्य से जनता सरकार बनाती है, उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, इन सब को ये राजनीति से जोड़कर देखते हैं। क्योंकि आज तक 2019 तक आज तक इन लोगों ने जितने कार्यक्रम किए
सारे अपने राजनीतिक फायदे के लिए किए, जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं था। जनता भूखे मरे, जनता पानी के बिना मरे, जनता के सर पे छत हो ना हो, जनता के बदन पर कपड़े हो ना हो, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं था। हमारी सत्ता कैसे आए, हम कैसे सत्ता हथियाए, कैसे हमारी कुर्सी बचे, इस पर ही सारा इन लोगों का कार्यक्रम होता था। आज जब सीधे सीधे जनता से माननीय मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं, जनता के हितों अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर दिन रात अपना सुख चैन सारा त्याग कर, जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाने में लगे हुए हैं, तो इनके कलेजे पर सांप लौटता है। ये मीडिया के सामने विभिन्न मंचों पर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मुख्यमंत्री जी पिकनिक मनाने जाते हैं, पंचायतों में पिकनिक मन रहा है। अभी देखा आप लोगों ने सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का कि कैसे पंचायत में उत्साह, किस दल की मुखिया थी, वो पूछना चाहिए कि किस दल के समर्थित मुखिया है जो तीन तीन पंचायतों से संवाद हुआ, और कितना उल्लास है पंचायतों में। आप लोग भी इसके गवाह हैं, जब अपने पंचायतों में जाते होंगे तो मेले का माहौल है, एक उत्साह का माहौल है, त्योहार का माहौल है, और लोग रोज अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पंचायतों में जा रहे हैं, और अधिकारी पूरी सहानुभूति के साथ, पूरे सहयोग के साथ समस्याओं का निदान कर रहे हैं। तो आज बड़े बड़े नेता ये कहते हैं, अरे मुख्यमंत्री पंचायत में जाता है कहीं, अरे कभी जनता के लिए सोचा होगा तब ना, मुख्यमंत्री हमारे वो है, इनके अंदर वो खून दौड़ रहा है जिन्होंने यहां के हमारे आदिवासियों, यहां के हमारे मूल वासियों, यहां के दलितों, यहां के पिछड़ों, यहां के अल्पसंख्यकों और यहां के ऊंची गरीब लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए दिन रात एक किया और 40 साल तक लड़ाई लड़ी, घर द्वार छोड़ दिया। माननीय मुख्यमंत्री अच्छी तरह से अपने को पहचानते तक नहीं थे, गांव जंगलों में ज्यादा जीवन बिताया, पूरी जवानी बिताई, तब यह राज लिया गया, और आपको झारखंडी कहलाने का सम्मान माननीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने आपको देने का काम किया, और उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात घर द्वार छोड़कर, ज्यादा रांची में रहते हैं तो 12 घंटा 14 घंटा ऑफिस में बिताते हैं, जनता के बीच बिताते हैं, और रांची से बाहर गांव गांव में जाकर, प्रमंडलों में जाकर, जिलों में जाकर जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं, समस्याओं का निदान करते हैं। ये सरकार है जो झारखंडी जनसरोकार की सरकार है, आपकी सरकार है, और आपके घर की सरकार है, झारखंडी जनमानस की सरकार है, ये बताने ये सारी चीजें काफी। आज हम लोग विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद जब गांव में जाते थे तो बूढ़े बुजुर्ग लोग सामने आ जाते थे, विधवा बहनें सामने आ जाती थी कि हम विधवा ही, हमारा विधवा पेंशन नहीं मिलना चाहिए, हमार 60 साल नहीं हो, हमारा नहीं मिलना चाहिए वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन जुकुर नहीं की हम, ये सारी बातें आती थी। हमारे विकलांग भाई आते थे, अनाथ बच्चे आते थे। आज हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर एक पंचायत में आप चले जाइए, एक पंचायत में अगर एक से दो आपको वृद्ध मिल जाएंगे, मैं इस मन से कहता हूं, जिनको पेंशन नहीं मिलता होगा, मैं इस मन से कहता हूं कि मैं अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यह स्थिति है आज हमारे सरकार की, आज वृद्धा पेंशन के लिए नहीं आता है, घर घर जाकर वीडियो वृद्धा पेंशन बनाते हैं। आज लोगों को राशन के लिए, राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं देना पड़ता है, भले ही ग्रीन राशन कार्ड से आच्छादित हो, सारे लोग ग्रीन राशन कार्ड से आच्छादित हो गए हैं, कम से कम अनाज उनको जरूर मिलता है उस राशन कार्ड में, और अब तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो और राशन कार्ड है उनके अनुकूल, उनके समान सारी सुविधाएं उन लोगों को मिल रही है जो ग्रीन राशन कार्ड से आच्छादित है। आज
मात्र अगर देखिए अभी समय की कमी है और भी हमारे दो माननीय मंत्रीगण हैं और उसके बाद जिनको आप लोग सुनने के लिए बेताब हैं, जिनके मुंह से अब तो बहुत लंबा अभी कहे तो एक डेढ़ घंटा बोल सकता हूं मैं, फिर भी आपके बीच कार्यक्रम करके आपके गांव गांव में पंचायतों में आऊंगा और सरकार की योजनाओं के बारे में बताने का काम करूंगा। लेकिन एक बात मैं आज इस मन से फिर से चैलेंज के रूप में कह रहा हूं कि 2019 तक जो भी सरकारें रही, हमारी भी सरकार रही, माननीय मुख्यमंत्री भी 13-14 में लगभग 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे, उस समय जो काम हुए उस समय के काम की चर्चा आज तक लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके बीच जो भी सरकारें रही, कुछ दिन हमारे दिशम गुरु भी रहे मुख्यमंत्री, बहुत कम समय के लिए काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो सरकारें रही आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर उन सरकारों ने जनता के लिए सोचा होता, जिस उद्देश्य से जनता वोट देकर उनको भेजती है विधानसभा में लोकसभा में सरकार आती है, अगर जनता के लिए सोचा होता तो आज ये कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती, आज एक एक सुविधा लोगों को मिल चुकी होती, क्योंकि उस समय भी वही राज्य था, वही साधन संसाधन थे, वही अधिकारी कर्मचारी थे और वही मंत्री और वही मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी, लेकिन उनकी कोई सोच नहीं थी। आज झारखंड की जनता का सपना साकार हो रहा है, लोगों को घर पर उनका हक अधिकार मिल रहा है। पलामू प्रमंडल जहां से हमेशा जो हमारे विपक्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार रही और हमेशा इस पलामू प्रमंडल से मंत्री हुए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 4 साल में जो पलामू प्रमंडल में विकास का काम हुआ है वो 19 सालों में वो पलामू प्रमंडल में वैसे कोई काम नहीं हुए जिसको उंगली पर गिनाया जा सके, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते, सिर्फ अपने हितों के लिए राजनीति करते, जनता के हितों से उनको कोई लेना देना नहीं था। 4 साल में पलामू में विकास की गंगा बह रही है, हर क्षेत्र में जाकर देखिए, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। ये सरकार की सोच होनी चाहिए और ये सरकार का की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस जिम्मेदारी को हम लोग निभाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि अगर 19 में अगर मैं चैलेंज के लिए रूप में ले रहा हूं कि 5 ऐसी योजनाएं गिना विपक्ष के लोग जो सीधे जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजना हो, और हमारी जो योजनाएं हैं उसको गिनाने में पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि जो 2-2.5 साल में हम लोगों ने योजनाएं लागू की है उनको गिनाने में पूरा दिन लग जाएगा, उसका ब्यौरा देने में पूरा दिन लग जाएगा। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप सभी लोग जो भी सरकार की योजनाएं हैं, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सारे जिला परिषद, बहुत सारे मुखिया, डीसी, वार्ड पार्षद, सारे लोग बैठे हुए हैं, राजनीतिक दलों के नेतागण बैठे हुए हैं, यहां से जाकर अपने अपने पंचायतों में आप जहां भी जब भी आपके पंचायत में ये कार्यक्रम, आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम हो, पूरा आप दें और लोगों को बताने का काम करें कि इस योजना का लाभ लेना है, तभी जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है वो धरातल पर उतर पाएगी। यही कहकर मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड।